Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study about the Pandora Papers leak. A really important topic from the perspective of GS Paper 3 and also from the perspective of prelims examination. आपके पेपर थ्री पेपर टू और आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑप्शनल पेपर होता है उसके पर्सपेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये जो हिंदू न्यूज़पेपर में कल आया था. इट वॉज इन द हिंदू न्यूज़पेपर यस्टरडे. सो वी आर सेपरेटली कवरिंग इट. ओके एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू टेक डाउन शॉर्ट नोट्स वाइल इन द क्लास. क्लास में साथ साथ ना शॉर्ट नोट्स लेते जाइएगा. दैट विल इनहेंस योर रिविजन पोर्शन. Okay, so let's get started. शुरू करते हैं आज का lecture without any delay. Lecture PDF will be uploaded on my Telegram channel. That is Simplifying UPSC with Ease. You can download the notes resources that we upload over here from our Telegram channel. The link is also given below in the description box. So starting with the Pandora paper leak. सबसे पहले start करते हैं Pandora paper leak से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर. आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे. वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर व्हाट आर पंडोरा पेपर्स. ओके सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे पंडोरा पेपर्स क्या होते हैं. देन वी विल स्टडी हाउ पंडोरा पेपर्स आर डिफरेंट फ्रॉम पनामा और पैराडाइज पेपर्स. पंडोरा पेपर्स क्या होते हैं एंड देन वी विल स्टडी हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पनामा पेपर्स एंड द पैराडाइज पेपर्स. देन वी विल स्टडी व्हाई द डेटा व्हिच हैज बीन लीक्ड इन द पंडोरा पेपर्स इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट दिस इन्वेस्टिगेशन मीन्स. ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है इस डेटा में डेटा लीक में इससे क्या हमें अचीव होगा. राइट व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव विद दिस इन्वेस्टिगेशन. वी विल स्टडी अबाउट वॉट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रस्ट. ट्रस्ट का मतलब क्या होता है हम वो भी पढ़ने वाले हैं. ओके नाउ हियर द ट्रस्ट डज नॉट मीन दैट यू आर ट्रस्टिंग समबडी. द इमोशन वाला ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर. दिस ट्रस्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ओके एंड वी विल ऑल्सो स्टडी द सिग्निफिकेंस फॉर वॉट ऑब्जेक्टिव the trust were formed which have been mentioned in the Pandora papers. तो इसके twofold objectives थे. हम वो भी पढ़ने वाले हैं कि क्यों इस ट्रस्ट को तैयार किया गया जो पंडोरा पेपर्स में मेंशन्ड है. दीज आर द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. सो ओवर हियर देयर हैव बीन 30 पर्संस एंड दीज आर 30 इंडियन पीपल दैट इज द पीपल बिलोंगिंग टू इंडियन नेशनैलिटी. दे हैव बीन मेंशन्ड इन द पंडोरा पेपर्स इंक्लूडिंग अ वेरी फेमस क्रिकेटर. यू हैव टू नेम द क्रिकेटर इन द कॉमेंट सेक्शन हुज नेम हैज कम अप इन द पंडोरा पेपर्स. So 12 million documents have been found in the Pandora Papers belonging to 14 companies and these 14 companies are offshore tax havens to avoid the tax liability obligation. These 14 companies were created in countries like New Zealand, South Dakota, Singapore, Samoa, etc. These are the countries which offer tax advantages to in order to evade taxes. These 14 companies or you can say shelf companies were have been found. वैसे तो इस पेपर में 29,000 shelf companies पाई गई हैं. The important point over here is what are shelf companies. ये shelf companies क्या होती हैं. Shelf companies specifically are created to evade taxes, to evade the law. ओके लॉ से बचने के लिए लॉ के ज्यूरिस्डिक्शन से बचने के लिए शेल्फ कंपनीज खोली जाती हैं. एंड दीज शेल्फ कंपनीज आर कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इनिशियली तो एज कंपनीज दे आर रजिस्टर्ड बट दे हैव नो रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस. कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं होता इनका. सो दैट मीन्स दे हैव नो एसेट एंड दे हैव नो लाइबिलिटी. इनके ऊपर कोई डेट भी नहीं होता कोई लाइबिलिटी भी नहीं होती. Okay, so these are ready-made companies which are waiting on the shelf to be purchased by someone. कोई और इसको जल्दी से purchase करे इसलिए इनको तैयार किया जाता है. So that person who is purchasing these companies can evade the taxes, can evade the profits and the taxes which have to be paid on the profits that they are making. Okay, तो basically tax से बचने के लिए ये shelf companies बनाई जाती हैं. So in the leaked files, we have found 14 global corporate service firms containing 29,000 shelf companies. And they were, and plus not just shelf companies, private trusts also were found, which were in obscure tax jurisdictions, that is those countries which offer tax advantages. So today we will study trusts. What are trusts? Now, how Pandora Papers are different with that of Panama and Paradise Papers? See, the Panama Papers or the Paradise Papers,
both these papers mention those individuals or organizations. Okay, they do not mention the trusts. यहाँ पर ट्रस्ट मेंशन नहीं होते हैं. ट्रस्ट आर मेंशन्ड इन द पंडोरा पेपर्स. दिस इज द डिफरेंस. ओके. अनअकैडमी लर्नर्स हैव सिक्योर्ड टॉप 50 रैंक्स इन द यूपीएससी 2020 एग्जामिनेशंस. फ्रॉम जागृति अवस्थी मैम टू सत्यम गांधी सर, अपाला मिश्रा मैम, गौरव बुधानिया सर, करिश्मा नायर मैम, अर्थ जैन सर, पौधी शेती श्रीजा मैम. अनअकैडमी लर्नर्स हैव सिक्योर्ड ग्रेट रैंक्स इन द यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशंस. And in order to help you secure a rank in your examination and crack this examination, Unacademy is launching new batches starting from 6th of October 2021. These batches are 1-year batches and 2-year batches aiming the 2022 and 23 aspirants. So these batches will be in Hindi language also separately and in English language also. We are covering the entire pre and mains syllabus in these batches. Hum complete pre aur mains ka syllabus cover karenge along with the books which will be delivered to your houses, plus the test series, the answer evaluation, courses, and also we are providing expert guidance and one-on-one doubt resolving session. For the 2021 aspirants, we have launched new batches. 2021 and 2022 aspirants, we are launching a new batch called Mission All India Rank Batch for quality enhancement and answer writing. This batch starts on 18th of October. Within 3 months, we will train you for your answer writing in mains. तो यहाँ पर मेंस पे फोकस होगा इस बैच में. 18 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इफ यू यूज दिस कोड अर्पिता 10. ये कोड यूज करके आपको इजीली आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा. तो आज ही सब्सक्राइब करें. द लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टुडे एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टुडे बिकॉज 6th अक्टूबर इज द डेट व्हेन द न्यू बैचेस आर लॉन्चिंग. तो उससे पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. Now, Pandora Papers, they reveal how the rich or the famous and the notorious, they set up very complex trust structures so that they can evade the tax legislations and they can plan the real estate investments. अपने पैसे को इस जगह ऐसी जगह पार्क करने की कोशिश करते हैं जहां से टैक्स देने से वो बच सके. तो पंडोरा पेपर्स का जो डेटा है वो यही हमें रिवील करता है. पंडोरा पेपर्स आल्सो रिवील दैट देयर इज अ रेयर विंडो इनटू द हिडन वर्ल्ड ऑफ ऑफशोर फाइनेंस वेयर पीपल दे डू मनी लॉन्ड्रिंग, दे इवेड द टैक्सेस एटसेट्रा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रस्ट एंड द रीजन द सिग्निफिकेंस बिहाइंड द लीकिंग ऑफ द डेटा. Pandora Papers, if we look at here, over here, you will see, it sheds light on the financial secrets of some of the world's richest people. Because basically, it's the largest trove of leaked data. What is this Pandora Paper? It's a collection of leaked data exposing the tax haven secrecy in history. And why these taxes, companies have been created in these countries which are known as tax haven? Because of two objectives. First is tax avoidance. सेकेंड इज टैक्स इवेजन. या तो टैक्स को अवॉइड कर रहा है इसलिए इन्होंने शेल्फ कंपनीज को स्टार्ट किया है. या टैक्स से बचना है, देना ही नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है टैक्स देने का. ठीक है. नाउ पंडोरा पेपर इन्वेस्टिगेशन शोज हाउ दीज बिजनेस दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू ट्रस्ट एंड इन द गार्ब ऑफ अ ट्रस्ट दे क्रिएट अ न्यू नॉर्मल विद इवेडिंग टैक्सेस, टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इंडल्जिंग इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट्स अ ट्रस्ट. अब एक ट्रस्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं. सो ट्रस्ट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स अ फिड्यूशरी अरेंजमेंट. फिड्यूशरी अरेंजमेंट मीन्स इट्स एन अरेंजमेंट बिटवीन अ थर्ड पार्टी एंड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन कॉल इट अ ट्रस्ट. Now here the third party who is known as the trustee, he or she holds the assets on behalf of the individuals or organizations. These individuals or organizations, these are the beneficiaries. They will get the benefits of the assets that they are collecting and giving it to the third party to hold them on their behalf. So the trust consists of three key parties: settlor, trustee and beneficiary. Settlor is a person who creates the trust. Trustee is the person who holds the assets on the behalf of the beneficiaries, and beneficiaries are the ultimate receiver of the benefits.
These trust they helps to consolidate the assets of these individuals or organizations. अगर मान लो रियल एस्टेट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, शेयर होल्डिंग है, जो टैक्स नहीं देना जिनके ऊपर इन लोगों को, उसको ट्रस्ट के गर्भ में ये बचाने की कोशिश करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पंडोरा पेपर्स. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट इट. उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ आया होगा कि पंडोरा पेपर्स क्या है और क्यों इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है और क्यों इनको पढ़ना जरूरी है. दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन हैव अ नाइस डे.